आप सभी भाई बहन को प्रणाम मैं धीरे। आप लोग भी आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले जिनके प्रिय शिव है उनका मन हमेशा चंचल होता है, यानी शिव को हमेशा शिव को ही मानते हैं, हमेशा शिव को ही बसा कर रखते हैं, मन में शिव के सिवा कोई ख्याल ही नहीं आना, उनका मन हमेशा चंचल रहता है। आखिर मेरे प्रिय शिव कैसे होंगे, हम किस प्रकार क्या करेंगे जिससे कि हमारे प्रिय शिव हो जाएंगे, तो आज हम इसी वीडियो में साहब श्री हरदानंद जी के लाइव वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को और जाएंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे भाई, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की चर्चा करता हूं उसमें आप लोग भी साझेदारी हो। एक और बात, जो भी भाई बहन अपना चुनावी प्रचार कैसेट बनवाना चाहते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर संपर्क कीजिए, कम से कम लागत में बना दिया जाएगा, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आप मैटर बताइए, आपको प्रचार बन के आपके पास चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। जिनके प्रिय शिव हैं उनका मन चंचल है, हमारे सबका मन चंचल है। आज जो प्रिय है कल आपका अप्रिय हो जाता, आज जो आपका शत्रु है कल मित्र हो जाता, आज जो मित्र है वो कल शत्रु हो जाता। यही मन ना जगत में चलता है, यही मन ना आसमान में शिव के पास चलेगा। आज हमको शिव प्रिय लगते हैं, कल नहीं लग सकते, कारण जो भी हो, कोई घटना का क्रम हो, तब तो उनकी दया का संचार वैसा त्वरित नहीं होगा जो जिनके प्रिय शिव हैं उनके साथ होता है। हमने 40 वर्षों में देखा है कि कितने लोग आए शिव के, जो शिव को बहुत चाहते थे, मैंने उनको शिव अच्छे लगते, और आज मैं ढूंढता हूं तो वो कहीं नजर नहीं आते, जाने कहां गए वो लोग, उनकी प्रियता समाप्त हो गई। लेकिन अगर शिव प्रिय आपके रह गए तो एक दिन आप शिव के प्रिय हो जाएगा, अगर शिव आपके प्रिय रह गए तो एक दिन आप शिव के प्रिय हो जाएगा। जब शिव के प्रिय हो जाएगा तो अब बिल्ली ने बच्चे को टांग लिया, अब तक बच्चे ने बंदर को पकड़ के रखा है, माँ का प्रोटेक्शन उसको है, बंदरिया का प्रोटेक्शन उसको है, लेकिन लंबी कूद धरती के मजबूत थपेड़े से हो सकता है कि आपका मन शिव को छोड़ दे, यानी बंदरिया का बच्चा गिर जाए। लेकिन अब बिल्ली ने ही अपने बच्चे को पकड़ लिया है, यानी महादेव के ही आप प्रिय हो गए, तब तो छूटने का सवाल नहीं, बिल्ली ने ही पकड़ लिया है, तब बच्चा कैसे छूटेगा, कोई क्या करेगा, बिल्ली कूदेगी जोर से तो मुहा जोर से पकड़ेगी बच्चे को, तो कोई से करेगा लेकिन गिरेगा नहीं। वही मैंने लिखा है कि जिनके प्रिय शिव हो, अथवा शिव जो शिव के प्रिय हैं, यानी शिव ही जिनको चाहते हैं, यानी वह बिल्ली का बच्चा हो गया, उन्हें गिरेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जो शिव के शिव से पहले खूब चले, उनके साथ लोग चले, उन्हीं को गुरु मान लिया, कहे कि वो झूठा गुरु बना हुआ है, शिव का शिष्य है, अपने चेला है, गुरु बन गया, उसका मन शिव को छोड़ दिया, मन चंचल है साला, कभी किसी को पकड़ता है, कभी एसी बनता है, कभी डीसी करंट बनता है साला, कभी पकड़ता है, कभी छोड़ता है। तो उनके साथ के सारे लोग गिर गए, लोग नहीं चले, नहीं समझे। अब मान लीजिए मंडल जी के साथ कोई चल रहा है, मंडल जी ने शिव को छोड़ दिया, कोई कारण हो सकता है, लाखों अनेकों कारण हो सकते हैं, धरती है। अब मंडल जी को अपना अगुआ मानने वाला वो भी गिरेगा, उसके भी शिव छूटे, इनके तो छूटे ही छूटे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले। वही हम कह रहे हैं कि जिनके प्रिय शिव हैं उन डालियों को मत पकड़ो, ये सूख सकती हैं, सूखी हैं हम लोगों की नज़रों के सामने, उन डालियों को पकड़ने का प्रयास करो, जो डालियां नहीं सूखेंगी, यानी शिव को जो प्रिय लगते हैं उनको पकड़ो, ताकि वो डालियां हरी भरी रहेंगी, बिल्ली ने ही बच्चे को पकड़ रखा है, वो बच्चा नहीं गिरा। बस ये कौन सी आदत है, कोई किसी ने किताब लिख दिया, अब लेखक मुहाए जा रहा है, दूसरा लेखक क्या करेगा, जो हमने 40 साल में शिव को समझा और दुनिया को समझा, लिख दिया,
अब 73 साल का हो गया, अब दुनिया से जाना है इसीलिए लिख दिया, और समय नहीं मिला था, लॉकडाउन में मिल गया तो लिख दिया। चलिए आपने कहा भी है कि ये पुस्तक दिमाग से नहीं समझी जा सकती है, दिल से समझना पड़ेगा। हाँ भाई, इस पुस्तक को दिमाग से नहीं समझ सकते, इसीलिए कि वो दिमाग से लिखी नहीं गई है। दिमाग समझिए कैसे, वो पुस्तक दिल से लिखी गई है, और सच पूछिए तो मैंने लिखा भी नहीं है, कलम मेरी थी, कागज मेरे थे, लिखाने वाला कोई दूसरा कोई था, जो हमको आपको दिखता नहीं। तो ये दिल की बात लिखी गई है तो दिल से ही न समझिए। शिव विचारों से नहीं पकड़ाएंगे, भाव से पकड़ाएंगे, इसलिए खुद ही भाव सत्ता है, भाव से पकड़ाएंगे। भाव सत्ता को दूसरी चीज से कैसे पकड़ लेंगे आप? ये किताब अगर भाव से लिखी गई है तो आपको भाव से पकड़ना होगा, और भाव दिल का पक्ष है, दिमाग का नहीं, दिमाग से विचार पैदा होते हैं। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। ये पंक्ति इस पे भी खत्म हो सकती थी कि मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव, लेकिन आपने इसमें एक शब्द जोड़ा है कि मंजिल भगवान शिव स्वयं। इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या अंतर है? मैंने लिखा है मार्ग शिव शिष्यता का है, मैंने आपने शिव को गुरु माना है तो मार्ग शिव की शिष्यता का है, मंजिल शिव, तो शिव पर मैंने छोड़ा नहीं, इतने ही से काम चल सकता था कि मंजिल शिव भगवान शिव नहीं, हमने लिखा कि मंजिल शिव स्वयं खुद, यानी शिव शिष्यों में कोई बाबा जी नहीं है, शिव शिष्यों में कोई अगुआ और श्रेष्ठ नहीं है, और अगुआ श्रेष्ठ हैं तो देख लीजिए क्या हो रहा है। अभी वीडियो वायरल हुआ है मुजफ्फरपुर साइड का, लग रहा है कि साहब एकदम महिलाएं हैं, लाल कपड़ा में हैं, एक आदमी खूब फूल माला पहने हुए है, तो हम लिखे नहीं हम कि शिव स्वयं, आप तो खुद ही शिव बनते जा रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं है, शिव बने जा रहे हैं, एक आदमी की बात नहीं कर रहे, बहुतों की बात है। आदमी का जगत के आकर्षण में मन रहता है, बिल्कुल सही है, लेकिन शिव को तो कारोबार में नहीं डालें, शिव को तो व्यापार में नहीं डालें, शिव शिष्यता को तो तिजारत का अड्डा नहीं बना लें, आप धरती उठाई ले व्यापार के लिए करिए। अब शिव शिष्य और शिव शिष्या को लेकर नौटंकी क्या कर रहे हैं भाई साहब? वो आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, इसीलिए हमको लिखना पड़ा शिव स्वयं, मैंने हाइनान भी नहीं, मंडल जी भी नहीं, फलना जी भी नहीं, उदीदी नहीं, महादेव खुद, वही तुम्हारे अगुआ हैं, वही तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, वही तुम्हारे गुरु हैं, वही तुम्हारे गंतव्य हैं, तुमको जाना भी वही है, यही तो। इसी में आपने अपने उस समय के बारे में लिखा है जब आपने शिव को गुरु बनाया था, और धीरे धीरे आप कहते हैं कि मैं अकेला चला था, कारवा बनता गया। ये कारवा बनने में सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग आए, लेकिन आपने लिखा है इस किताब में कि शिव गुरु से जुड़ने के अभियान में मेरी कोई लौकिक अथवा पारलौकिक चाहत नहीं थी, मेरी नहीं थी कोई वित्तेशना, धनेशना, लोकेशना, और न ही पुरुषार्थ चतुष्टय जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की अभिलाषा। तो ये जो शब्द हैं वित्तेशना, धनेशना, लोकेशना और पुरुषार्थ चतुष्टय, इन शब्दों का जिक्र जो हुआ है वो समझने में असमर्थ हूँ, नवादा बिहार से है। ऐसा मैंने चाहत, ऐसा मैंने आपकी गंभीर इच्छा, तो कहा जाता है कि तीन ही ऐसाएं होती हैं आमतौर पर, उसका जो वर्गीकरण किया गया है उसमें तीन ही ऐसा माना गया है, धनेशना, धन की चाहत,
लोकेशना 20 आदमी में हम VIP हैं, सम्मान, और तीसरा है पुत्रेशना, जिसका जिक्र उसमें करने की कोई उपयोगिता नहीं थी। पुत्रेशना मतलब हमको बेटा नहीं है, पुत्री की एशना नहीं है, पुत्रेशना है। एशना में चाहत, और वो भी गंभीर चाहत। तो हमने लिखा है कि शिव को जो मैंने गुरु माना और लोगों को बताना शुरू किया, उसमें मेरी कोई ऐशना नहीं थी, कोई सम्मान की जरूरत हमको नहीं फील हुई, कोई धन की जरूरत नहीं फील हुई, कुछ भी नहीं था। एक ही था कि महादेव इतने अच्छे गुरु हैं, लोगों को उनसे जोड़ा जाए। और नहीं थी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चार तरह के माने जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। भारतवर्ष का यही रहा है आज तक। न हमको धन चाहिए था, न कामनाएं थी, न धर्म जैसा कुछ था। मूल धर्म का तो था, ताकि धर्म वही होता है जो जिसे धारण किया जाए। और मोक्ष की चाहत, मोक्ष लेके हम क्या करें, जो मेरी मानसिकता, मोक्ष लेके हम क्या करें। एक तो शिव है, एक तो ईश्वर है, तब तो जगत का ये हाल है, इंसान की ये स्थिति है। दूसरा कोई भगवान बन ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कभी मोक्ष वगैरह चाहा नहीं, शिव को चाहा कि मैं शिव हो जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, ऐसी कोई मेरी चाहत नहीं है। बस इतनी ही चाहत है कि आपकी चेतना का अभ्युदय हो, आपकी चेतना शिव की चेतना बने, आप अपनी संकीर्णताओं से, छोटी 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 चीजों से ऊपर उठें, शिव जैसा बने आप। शरीर तो बनेगा नहीं, मन ही बनेगा ना, मन ही शैतान होता है, मन ही शिव होता। इसलिए मैंने लिखा है कोई जगत की आकांक्षा मुझको नहीं थी, ऐशरण नहीं थी, और ना वो जो हमारे यहाँ परंपरा से चल रहा है कि पुरुषार्थ चतुष्ट है, न उसकी अभिलाषा उस दिन भी नहीं थी। आज भी मुझको गौर से देखिएगा तो लगेगा किस आदमी को नहीं। चलिए भाई, सबको प्रणाम।